हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द विलेज गाइस डबल ए। और आज का वीडियो मेरे भाई का होगा, क्योंकि भाई आज बनाया जा रहा है चिकन उसकी स्टाइल में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी मेरे भाई यहाँ पर चिकन काट रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन का पीस हो रहा है। चिकन कटने के बाद यहाँ पर चिकन अब धुल रहा है, साफ कर रहे चिकन को अच्छे से, क्योंकि खाना बनाते समय ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम लोग बना रहे हैं उसको अच्छे से साफ करके ही बनाए। चिकन अच्छे से धुल चुका है, इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। ये हल्दी भी घर में पिसा हुआ है। धनिया पाउडर, इसके बाद धनिया पाउडर, इसको भी अच्छे से मिला लीजिए उसमें। लाल मिर्च, लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, इसमें वो दोनों है, तीखा लाल जो बहुत तीखा होता है वो भी है, और प्लस कश्मीरी मिर्च भी मिक्स किया हुआ है। स्वाद के अनुसार नमक और सॉल्ट, नमक और स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा डालेंगे। उसके बाद जब करी ग्रेवी बनेगा उसमें भी थोड़ा डालेंगे। ये फ्राई करके बनाओगे या फिर दूसरा तरीके से? फ्राई कर रहे हैं इसको, फ्राई करेंगे पहले उसके बाद बनाएंगे। थोड़ा हल्का सा तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, हाँ सरसों का तेल भी ले सकते हैं और रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई गैस में चढ़ा चुके हैं, और चिकन को यहाँ पर अच्छे से मिक्स होने दे रहे हैं। यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं भाई। मिक्स करने के बाद इसका कलर्स ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो चुका है और भाई यहाँ पर तेल डाल रहे हैं। ये रिफाइंड तेल है, इस तेल में चिकन को फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब मेरा भाई चिकन डालने जा रहा है कढ़ाई पे। देखिए इसका साउंड एकदम फेंक करके आ रहा है। फ्राई करने के लिए ना बहुत पहले क्या करना चाहिए कि तेल को बहुत गर्म करना चाहिए। जितना गर्म करेंगे उतना ही अच्छे से फ्राई होगा चिकन। तेल में डाले समय आराम से डालिएगा, क्योंकि हाथ में तेल लग सकता है। चिकन को फ्राई करते टाइम थोड़ा गैस का फ्लेम जो होता है वो थोड़ा सा कम मीडियम फ्लेम पे रखें, क्योंकि अगर आप मीडियम फ्लेम में नहीं रखेंगे तो चिकन जल्दी जल जाएगा। अगर आप उसको मीडियम फ्लेम में रखेंगे तो चिकन अच्छे से अंदर से पक जाएगा। ये हाफ फ्राई हो चुका है, इसको हम अब उल्टा करेंगे। इसका कलर देखिएगा कितना अच्छे से कलर आया है इसमें। आज का कुक मेरा भाई सारंगे, अच्छे से फ्राई हो रहा है यहाँ पर चिकन। इसको हम पूरा फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ हाफ फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको मसाले के साथ भी बनाना है। और यहाँ पर हम लोग मेरा भाई मसाला भी पीन के रेडी कर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाला, ये ओनियन पेस्ट, चिली पेस्ट, गार्लिक जिंजर पेस्ट। तेल गर्म हो चुका है, और इसके बाद डाल रहे हैं प्याज और टमाटर, दोनों को एक साथ में डाल रहे हैं भाई।
इसके बाद डालेंगे थोड़ा हल्दी, इसके बाद रेड चिली पाउडर, सो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो मसाला रेडी किया हुआ था वो भी डाल दिए। मसाला बन चुका है, उसके बाद यहाँ पर चिकन भी डाल दिया भाई ने। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अब पकाएंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आपका चिकन रेडी हो जाएगा और पकने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखेगा चिकन। चिकन रेडी हो चुका है, बन चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये चिकन बनाने का तरीका कैसा था, और प्लीज़ हम लोग सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो द विलेज गाइज डबल ए।